हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन स्टफ ब्रेड। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है, ये कोई भी बना सकता है, बिगनर्स भी बना सकते हैं, जरूर ट्राई करें। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाना सीखते हैं हम आज इटालियन स्टफ ब्रेड। एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल में ऐड करेंगे 2 टीस्पून मिंस्ड गार्लिक। स्टर कर लें। इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम महीन प्याज कटा हुआ है, इसे ऐड कर देंगे। 2 बड़े प्याज लेंगे तो भी 200 ग्राम करीबन हो जाते हैं। इसे ऐड करके इसे भून लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे, बेसी स्टर नहीं करना है हमें, बेसी भूनना नहीं है। इसमें ऐड करेंगे 1 कप ग्रीन बेल पेपर, इसे ही महीन काट लिया है हमने, इसे भी ऐड कर देंगे। 1/2 कप रेड बेल पेपर, अगर ना मिले तो आप ग्रीन बेल पेपर का आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसे भी ऐड कर देंगे। ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए हम स्टर करेंगे। वेजीज में ऐड करेंगे सीजनिंग, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ओरेगानो, इसे हाथ में लेके क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे, ज्यादा टेस्ट आएगा। इसे ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून बेसिल, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, करीबन ये 2 चम्मच जा रहा है इसमें, आप टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, अगर आप मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल इसे अवॉइड कर दें। एक बार सीजनिंग ऐड हो जाए, इसे हम डालेंगे कॉर्न, इसे हल्का क्रश किया हुआ है, एक बार हल्का सा ग्राइंड कर देंगे स्वीट कॉर्न को, तो ये बिल्कुल इस तरह से टेक्सचर में आ जाएगा, इसे भी ऐड कर देंगे। सब्जी इसमें अपनी मनपसंद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें 4 बड़े टमाटर लेकर इसमें हम डाल देंगे, ऐड कर दें। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे हमें पकाना है अच्छे से। एक बार टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद में हम इसमें 1 कप करीबन मेयोनीज में ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में हम इसे मेयोनीज ऐड कर देंगे 1 कप। मिक्स कर दे अच्छे से। फिलिंग को हम रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। इतने हम अपने ब्रेड पे काम करेंगे। यहां मैंने लॉन्ग ब्रेड लिया है, फ्रेशली आप लें, बिल्कुल भी आप पहले का ना लें। ये मैंने बड़ा लिया है ब्रेड। अगर आप छोटे ब्रेड ले रहे हो तो क्वांटिटी आप मसाला का कम बनाइएगा। इस तरह से आप ब्रेड लेंगे। अब बीच से इसे डिक करते हुए हम इसे गैप बना लेंगे, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाना है, बहुत सावधानी से हमें इसमें होल बनाना है। बिल्कुल भी नीचे तक चक्कू ना जाए, आपका नाइफ नहीं जाए, बिल्कुल इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज नीचे होल हो जाएगा तो आपका फिलिंग इसमें नहीं टिकेगा।
अब इसमें नाइफ नहीं डाल के अब इसे हाथ से इसकी फिलिंग इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर बाय चांस आपका कहीं ज्यादा नाइफ चला गया हो, कहीं होल हो गया हो, तो इस ब्रेड को आप थोड़ा क्रश करके इस तरह से कहीं भी उस फिलिंग पे डाल सकते हैं, तो वो फिलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस तरह से करके आप उस पर आप फिल कर सकते हैं। इसे निकाल देंगे, साइड से भी थोड़ा निकालूंगी, नहीं तो ब्रेड का बहुत ज्यादा टेस्ट आएगा एंड फिलिंग का बहुत कम आएगा। तो ये साइड से भी थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से पूरा क्लियर हो गया है। या देख सकते हैं यहाँ पे हमने भी यहाँ का किनारों को भी निकाल दिया है। इस तरह से बिल्कुल हमने थोड़ा सा एम्प्टी रखा है इसको इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है वो आप बिल्कुल निकाल दें, अलग कर दें इस तरह से। अब इस पे हम मक्खन लगा देंगे अंदर में, बिल्कुल हमें सॉगी नहीं चाहिए ब्रेड को, तो मक्खन प्रिवेंट करेगा सॉगीनेस के लिए। इस तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे बटर को। इन ब्रेड क्रम्स को आप यूज में ले सकते हैं अपनी रेसिपी में। मैंने दिखाया है मटर पेटीज में कैसे आप यूज कर सकते हैं ब्रेड के चूरे को या कोई भी ब्रेड को, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो रेसिपी में ही चेकआउट कर सकते हैं। बटर हमने अंदर लगा दिया अच्छे से, अब हम थोड़ा बाहर में भी लगा देंगे जिससे ब्रेड सॉफ्ट भी रहे और बेक भी हो जाए, सॉफ्ट भी रहे। बाहर लगा देंगे, से बाहर लगा दे चारों तरफ। अब इसे हम फिलिंग लेंगे, फिलिंग काफी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम फिल करेंगे। फिलिंग को थोड़ा प्रेस कर देंगे जिसे हर एक कोने तक पहुंच जाए बिल्कुल फिलिंग। इस तरह से फिलिंग को प्रेस करते हुए हम भरेंगे। एक बार फिलिंग कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम चीज डालेंगे। इसके ऊपर आप कोई भी चीज डाल सकते हैं, मोजरेला चीज ये आपकी मनपसंद चीज। मैं मोजरेला और प्रोसेस्ड दोनों को यूज कर रही हूं संग में। इसे हम माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं एक मिनट के लिए, और हम ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो मैं ओवन में डालूंगी आज, ओवन में जाएगा ये 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और माइक्रोवेव में आप डाल रहे हैं तो 1 मिनट के लिए जाएगा, ये प्री हीटेड ओवन है उसमें जाएगा ये बेक होने के लिए। 20 मिनट्स के बाद में ये बेक होकर बाहर निकल गया है ओवन से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हो गया है ये। इसे वेट करें कूल डाउन होने तक, इसे पीसेस में काट के इसे सर्व कर सकते हैं। इटालियन स्टफ ब्रेड को हम गार्निश करेंगे थोड़े फ्रेश पार्सले के संग में। थोड़े से चिली फ्लेक्स के संग में। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कट करके इस पीस में आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यम्मी लगता है, जरूर ट्राई करें। यहाँ मैंने इटालियन स्टफ ब्रेड को सर्व किया है योगर्ट डिप के संग में और थोड़े चिप्स के संग में। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।